वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजुम निटिंग। आज आप लोगों के लिए स्प्रिंग स्टिच लेकर आई हूँ। ये कितना ब्यूटीफुल पैटर्न है, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा बनकर आया है। ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड से हमें पैटर्न बनाने के लिए बैक साइड से ही स्टार्ट करना होगा बुनने के लिए। और यहाँ पर भी सीधी सीधी बुनाई करेंगे राइट साइड से। ये हमारा दो दो सिलाइयों में पैटर्न बनकर आता है, दो दो फंदों में भी बना है, टू टू प्लस टू करके। यहाँ पे हमने दो फंदे स्टिच करने के लिए लिए हैं स्टार्टिंग में, वही हमने लास्ट में भी लिया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल बनकर आया है। आप इसे बच्चों के स्वेटर में, लेडीज जैकेट में, कार्डिगन में, गर्ल टॉप में, कैप में अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर आएगा। अपने बच्चों के लिए आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसको बनाने के लिए आप हमारी पूरी वीडियो एंड तक, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। बनाने में बहुत ही ईजी है, देखने में जितना ही सुंदर लग रहा है बनाने में उतना ही ईजी है। चलिए हम बैक साइड से पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। बैक साइड से हम पैटर्न बनाएंगे, इसमें हमें बैक साइड से ही पैटर्न बनाना है। यहाँ पर हम दो फंदा हम एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा हम उल्टा स्टिच कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड है। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम धागा पीछे की साइड करेंगे। ये हम इसको सीधा बुनते हुए इस तरह से दोनों निडल को हम थोड़ा धागा नीचे कर लेंगे, ये निडल को निकाल लेंगे सीधा करके। फिर यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार इसी तरह से धागा लपेटेंगे। फिर एक बार इसी में लपेट कर हम इसको सीधा इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसको हम निडिल से उतार लेंगे और ये जो हमारा जो हमने धागा लपेटा हुआ था इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद ये जो हमारा सिंगल है यहाँ पर इसको हम इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए खींचते ही हमारा स्प्रिंग बनकर आ जाता है। कितना प्यारा, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल बनकर आया है। अब इसको हम अगला फंदा लेंगे सीधा स्टिच करते हुए, इसको इस तरह से हम बुन लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हमारा स्प्रिंग बनकर आता है। यहाँ पर हम इसे सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब दो फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर वही पैटर्न रिपीट करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर एक फंदा हम इस तरह से निडल को सीधा डालेंगे, फिर वही रिपीट करेंगे 1। यहाँ हमें 10 बार लपेटना है, 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार लपेट के एक बार इसमें हम लपेटेंगे सीधा स्टिच करने के लिए। फिर इसको हम इस तरह से सीधा, सॉरी फ्रेंड्स, इसको हम फिर से लपेटेंगे। यहाँ पर हमने फिर धागा लपेटा, इस तरह से इसको खोल लिया है। फिर यही हम धागा खींचेंगे, ये हमारा स्प्रिंग बनकर आ जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत बनकर आया है, ये हमारा गोल सा हो गया है। अब हम यहाँ पर सीधा स्टिच करते हुए इसको हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदा बीच में हम उल्टा स्टिच करेंगे, फिर धागा हम पीछे की साइड ले जाएंगे, फिर वही पैटर्न बनाएंगे रिपीट करेंगे। फिर यहाँ पर हम सीधा निडल को डालते हुए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार ऐसे ही लपेटेंगे। एक बार हम एक ही निडल में लपेट कर इसको सीधा स्टिच करने के लिए इस तरह से सीधा स्टिच कर लेंगे। इसको निडल से हम उतार लेंगे। यहाँ पर ये जितने भी हमारे लपेटे हुए धागे हैं इसको हम इस तरह से खोल लेंगे।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से खींचेंगे, ये हमारा स्प्रिंग बनकर आ जाएगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल बनकर आया है। यहाँ पर हम सीधा स्टिच कर लेंगे, फिर हम धागा अपनी साइड लाएंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से हम फर्स्ट रो सारे स्टिच करेंगे, बनाएंगे पैटर्न अपना। ये हमारा फर्स्ट रो है, हमने पैटर्न बनाकर कंप्लीट कर लिया है बैक साइड से। अब ये लास्ट में हमारे दो फंदे बचे हैं, इनको हम उल्टा ही स्टिच करेंगे। अब ये हम राइट साइड पे आ गए हैं, सेकेंड रो राइट साइड पे। देखिए कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल पैटर्न बनकर आया है, ये हमने जो बनाया है। अब यहाँ हम सीधी साइड पे सीधा सीधा बुनेंगे, सारे फंदे हमें सीधा स्टिच कर लेने हैं। सारे फंदे हम सीधा स्टिच करेंगे, सेकेंड रो राइट साइड से हमने सीधा सीधा बुनकर स्टिच कर लिया है, बुन लिया है। अब यहाँ पर हम बैक साइड पे थर्ड रो दूसरा पैटर्न अपना बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम दूसरा पैटर्न बनाएंगे तो जहाँ पे हमने पैटर्न बनाया था वहाँ नहीं बनाना है हमें। स्टार्टिंग में हमने दो फंदा, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा स्टिच करेंगे। इससे पहले हमने दो फंदा स्टिच किया था, इसके बाद यहाँ पर हमने पैटर्न बनाया था। अब हम यहाँ पर फोर फंदा उल्टा स्टिच करेंगे, थ्री फोर, फोर फंदा हम उल्टा स्टिच करेंगे। अब धागा हम पीछे साइड ले जाएंगे, इस तरह से सीधा निडल को डालेंगे। यहाँ पर 10 बार हमें 10 बार धागा लपेटना है निडल में, लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, इस तरह से हम लपेटेंगे तो हमेशा फंसेगा नहीं हमारा। ये 1 2 3 4 5 इस तरह से इसके ऊपर ही लपेटते जाएंगे, ये नहीं कि एक ही जगह पर सब लपेटें। यहाँ सीधी सीधा हम इस तरह से लपेटते लपेटते जाएंगे तो हमारा फंसेगा नहीं, आसानी से आ जाएगा। 6 7 8 9 10 फिर अगला हम स्टिच करने वाला लपेटेंगे, इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम निडल से उतार लेंगे सारे फंदों को जो लपेटे हैं। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से खींच देंगे। ये देखिए कितना सिंपली, कितना अच्छे से आ गया है, फंसा भी नहीं। अगर आप एक ही जगह सारे फंदे लपेट देंगे तो फिर फंस के आएगा, फंस जाएगा, ये वाला स्प्रिंग की तरह बनकर नहीं आएगा। ये इस तरह से हम धागा खींचेंगे, ये देखिए कितना प्यारा सा स्प्रिंग बनकर आ गया। ये देखिए इस तरह से हम सीधा स्टिच करेंगे अगले फंदे में। अब धागा अपनी तरफ ले कर आएंगे, दो फंदा हम उल्टा स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम सारे पैटर्न बनाएंगे, दो फंदा उल्टा स्टिच करना है, दो फंदों में हमारा पैटर्न बनेगा। बार बार हम यही रिपीट करेंगे। यहाँ पे हमने थर्ड रो में भी पैटर्न बना लिया बैक साइड से। अब राइट साइड से सारे फंदे हम सीधा स्टिच करेंगे, फिर वही हम बैक साइड से पैटर्न रिपीट करेंगे। यहाँ पर यही हमें ध्यान देना फ्रेंड्स, जिस जहाँ पर हम पहले बनाएंगे वहाँ पर पैटर्न दोबारा नहीं बनाना है। जब हम दोबारा रिपीट करेंगे सेकेंड पैटर्न बनाएंगे तो यहाँ बीच में जो दो फंदा हम उल्टा उल्टा बुन रहे हैं इसके ऊपर हमें बनाना है। इस तरह से हम बनाएंगे तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से बनकर आएगा। देखिए कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल बनकर आया है। आप इस पैटर्न को अपने बच्चों के जैकेट में, बच्चों के कैप में, बच्चों के स्वेटर में ज़रूर अप्लाई करें, बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर आएगा, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। आप ये वाला जो हमने 10 बार लपेटा है इसको आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इस हिसाब से आपका पैटर्न बनकर आएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। इसी तरह एक और वीडियो के साथ, एक और नई वीडियो के साथ आपको मिलूंगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।